नहीं हो चुकी है, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। सभी प्रत्याशी जो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, समाजवादी पार्टी से हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, सब प्रत्याशियों ने दम खम लगा करके मैदान में उतर गए हैं। हम इस वक्त इब्राहिमपुर में हूँ, इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड है और उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं विनय कुमार शर्मा जी। बातचीत करेंगे कि क्या रणनीतियाँ हैं कि दफ्तर से चुनाव लड़ रहा है। और सबसे पहले सर अपना नाम, सर मेरा नाम है एडवोकेट विनय कुमार शर्मा। क्या तैयारियाँ हैं और ये चुनाव जो है इस बार दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी की अपना सिंबल से जाति उतार रही है, सभी प्रत्याशी सभी सिंबल से चुनाव किस तरीके से आप लोगों को भेज सको। बहुत अच्छा किया, देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद और राजनीति धर्म की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति अगर नहीं करती है। अभी आदमी लोगों का चौथा लक्ष्य भेज के उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म के प्रति, उन्होंने ये कहा कि वो विकास के आरोपी हैं जो गणेश और लक्ष्मी, और अगर उनकी नोटों पर मूर्ति होगी फोटो होगी तो देश की इकोनॉमी को भी बारे में ये बात एक बात बताइए, अगर किसी विशेष स्थल पर हम लक्ष्मण गणेश की मूर्ति लगा देंगे तो और वर्ग के जो और समुदाय के लोग करते हैं। देखिए मेरे कहने का तो ये था कि जैसे अन्य जातियाँ जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं, उस आधार पर आम आदमी पार्टी राजनीति। दिल्ली मॉडल उसको आप यूपी और अपने पार्टी में लाना चाहते हैं। दिल्ली का मॉडल पूरे भारत में बड़ी तेजी से गूंज रहा है। अभी दिल्ली का जो हाल ही का MCD का जो इलेक्शन आया उसमें पूरे भारत में देखा कि 134 सीटें आम आदमी पार्टी की आई है, और जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन था, जो MCD में जो कूड़ा कचरा क्षेत्र में फैला हुआ था और बड़े बड़े जो ढेर और पहाड़ बना रखे थे, उसका जो जवाब है वो MCD में दिल्ली की जनता ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का जो इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 4 है, यहाँ की जनता भी ये जो है आम आदमी पार्टी सर हमें बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जनता जागरूक है और यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर हम हमेशा जातिवाद की राजनीति करेंगे तो जनता को गुमराह करने का काम करेंगे तो धर्म से छूटना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती और मतदाता को जागरूक करने का काम करती है कि अगर हम अच्छा काम किए हो, अगर हमने विकास किया हो, अगर हमने शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा काम किया हो तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी को जिताइए। और अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने विकास का काम ना करके गंदी राजनीति की है तो आप हमें वोट कर दीजिए। हम लोग ऐसे हाथ जोड़ करके फिर हम निवेदन करते हैं मतदाता। आम आदमी पार्टी नेता नहीं आम आदमी होती है तो इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा है देखिए अभी डेंगू का प्रकोप है, जब महामारी के रूप में हर घर में हमारे वार्ड में लगभग 2-3 केस हुए, इवन हमारी मिसेज जो है ICU में भर्ती रही और प्लेटलेट बहुत डाउन हो गई और कई जान गई है, युवा युवतियों की जान गई है, माताओं बहनों की जाने गई है। तो डेंगू एक ऐसा प्रकोप है जिसके कारण डेंगू क्यों बनता, डेंगू सर और बीमारियों की साफ सफाई की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहनत कर रही है, पूरा शहर साफ हो गया है, पूरा प्रदेश साफ हो गया है। देखिए कहने और कहने में बहुत अंतर है, पब्लिक अच्छे जानती है इतना साफ सुथरा हुआ है, अगर साफ सुथरा होता समय पर छिड़काव हुआ होता तो शायद ये डेंगू ना बनता। नालियाँ साल साल भर नालियों की सफाई नहीं होती है, सब कागजों सफाई होती है, बिल्कुल करेगी 100% गारंटी साफ करेगी। और मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक कभी झूठ नहीं बोलता, देश का निर्माता होता। वेरी गुड, बहुत विकासित से बात की हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद प्रत्याशी हैं विजय कुमार शर्मा जी, वकील भी हैं। लगातार हम आपको वार्ड वार्ड से पूरे समाज की खबरें पहुँचाते रहेंगे और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए दर्शक तक।